नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हेल्थ पर शो में। दोस्तों, गर्मी का मौसम है, स्कूल जाने वाले बच्चे इस समय ज्यादातर फ्री होते हैं और आप बच्चों को खेलने से रोक नहीं सकते। गर्मी होती है, बच्चे बाहर घूमते भी हैं और खाते भी हैं बाहर, और साथ ही में फिर बीमार भी पड़ जाते हैं। बच्चों की हर तरह की बीमारी के बारे में जानेंगे आज के प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में। दोस्तों, गर्मी का मौसम है जिसमें कभी बारिश तो कभी तपती हुई धूप का मौसम हो जाता है, और ऐसे में बच्चे ज्यादातर बीमार पड़ते हैं। इस मौसम में बच्चों में कई बीमारी जैसे कि लू लगना, हैजा, पीलिया, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आखिर क्यों होती है बच्चों में सबसे ज्यादा बीमारियां, क्या इलाज है इनका, बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक, अगर आप बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है या आप अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब यहाँ है। नंबर टीवी स्क्रीन्स पर आप सभी के लिए फ्लैश हो रहा है, जल्दी से हमारा नंबर डायल कीजिए, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड सभी बीमारियों के सवालों का जवाब आज आपको हेल्थ फर्स्ट में ही मिलेगा। डॉक्टर साहब, जब तक ही हमारे पास कॉलर्स जुड़ते हैं, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, लू बहुत जल्दी लग जाती है गर्मियों में, किस तरह से पता लगाए लू क्या है और कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? ये जो बढ़ी हुई गर्मी है, खासतौर से बढ़ा हुआ जो तापमान है, उसकी वजह से लू वाली बीमारी हो सकती है। और लू की बीमारी के लक्षण उस पर निर्भर करेगा कि उसको कितनी बड़ी समस्या बन गई है। पहली स्थिति तो केवल ये होती है कि बच्चे को गर्मी की वजह से भूख कम लगती है, चिड़चिड़ापन रहता है, हल्का हल्का सा शरीर गर्म रहता है, कॉन्सेंट्रेशन में कमी आती है, उसको हम बोलते हैं हीट फटीक, यानी कि तेज़ गर्मी की वजह से होने वाली बच्चे के शरीर में एक थकान। दूसरी स्थिति है जिसको बोलते हैं हीट हाइपरपायरेक्सिया, यानी कि तेज बुखार आना इस बढ़ी हुई गर्मी की वजह से। ऐसे में बच्चे के शरीर का तापमान 102, 103 डिग्री होने लगता है, पूरा शरीर बिल्कुल आपको ड्राई महसूस होगा। और तीसरी चीज़, बच्चे को तेज़ प्यास लगती है और सिर में तेज़ दर्द होने लगता है। तो दूसरी स्थिति है हीट हाइपरपायरेक्सिया, और तीसरी स्थिति है जो कि और ज़्यादा गंभीर होती है, उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में बच्चे तेज़ बुखार होने के साथ साथ दौरे भी आते हैं, बेहोशी भी आती है, और वो किसी भी समय जानलेवा भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप हीट स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं, आजकल धूप में निकलना शायद बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि वो निकलते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। लेकिन जब बच्चे एकदम से चक्कर खा के गिर जाते हैं तो माँ बाप भी एकदम से परेशान हो जाते हैं कि आखिर करें क्या, तो ऐसे में सबसे पहला कदम हम क्या उठा सकते हैं अगर डॉक्टर के पास जाने का समय न मिले तो? उस पर निर्भर करेगा कि आपके बच्चे को लक्षण क्या है। जैसे मैंने बोला कि अगर केवल हीट फटीग में आप केवल इतना सा ध्यान रखें कि बच्चे को जो कपड़े आप पहनाते हैं वो कपड़े ऐसे हों जो कॉटन के हों, हवादार हों और ढीले हों, मतलब बहुत टाइट कपड़े ना पहनाएं, ताकि बच्चे के शरीर को हवा लगती रहे। दूसरी चीज़, बच्चों को आप ये भी समझाएं कि आपको प्यास लगे या ना लगे, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, क्योंकि हमारे शरीर को प्यास तब लगती है जब पानी की कमी आती है, और गर्मी में पानी की कमी आने का इंतजार करने में हमारे को लू होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बस यही कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा उसको बोलें कि प्यास लगे या ना लगे, तरल पदार्थ, पानी या जो भी गर्म है, जैसे छाछ है, केरी का पानी है, कोई भी ऐसा तरल पदार्थ अगर उपलब्ध है तो वो जरूर थोड़ा थोड़ा लेता रहे। और तीसरी चीज़, तेज़ धूप में बाहर खेलने ना जाए। खेलने में क्या होता है कि हमारे शरीर में हम गर्माहट खुद अंदर से भी पैदा करते हैं, क्योंकि जितनी भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर में कैलोरीज जलती हैं और शरीर गर्म होता है, और जब बाहर का तापमान भी ज़्यादा है और अंदर से भी अगर हम गर्मी जनरेट करेंगे तो हम बच्चे, मतलब जो बच्चा ऐसा करेगा तो वो बीमार पड़ सकता है। तो इसलिए बच्चों को समझाएं कि तेज़ गर्मी में, गर्मी के समय बाहर खेलने या दौड़ने या भागने के लिए ना जाएं। अगर खेलना कूदना भी करना है तो ऐसे समय करें जैसे सुबह जब तेज़ गर्मी ना हो, या शाम का समय जब गर्मी ना हो। और इसके अलावा तीसरी स्थिति ये कि अगर, जैसे आप पूछ रही थी, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, तो एक तो ये जब हल्की बीमारियाँ जैसे हीट हाइपरपायरेक्सिया हो गया, तो साधारण सा ये है कि एक सादा नल के पानी में कपड़ा गीला करके उसको पूरे शरीर पे फेर दें, ताकि शरीर का तापमान कम हो। कमरे में पंखा चला लें, कमरा थोड़ा ठंडा कर लें, और अगर आपको कूलर या एसी की सुविधा उपलब्ध है तो उस तापमान को, बाहरी तापमान को, कमरे के तापमान को भी कम कर लें। अगर मान लीजिए आपके बच्चे को हीट स्ट्रोक ही हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसका तापमान शरीर का तेज़ी से नीचे उतारना ज़रूरी है। उसको किसी भी ठंडे पानी के टब में उसको डुबोएं, ताकि बच्चे का तापमान तेज़ी से कम हो।
जी, एक बार फिर से डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि आज हम बात करें कि बीमारी में बच्चे किस तरह से बीमार पड़ जाते हैं गर्मी के मौसम में। तो अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है और आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप कह रहे थे कि गर्मी के मौसम में हमें शाम के टाइम में बच्चों को अलाउ करना चाहिए, सुबह के टाइम में खेलना अलाउ करना चाहिए, बच्चे आते हैं एकदम से नहाने चले जाते हैं, क्या वो ठीक है? एकदम से खेलते हुए आते हैं, पसीने में पानी पी लेते हैं ठंडा, उससे कितने नुकसान है, कितने फायदा है? केवल इतना सा समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज़, हम कोई भी पदार्थ, तरल पदार्थ या कोई भी चीज़ हम करें, तो अगर हमारी शरीर बहुत गर्म है तो उसको कूल डाउन करने की ज़रूरत है, यानी कि उसको धीरे 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 करके ठंडा करें। जैसे आप मान लीजिए बहुत तेज़ दौड़ के आए, बहुत तेज़ दौड़ के आने के बाद आप उसको बाद जब तक शरीर थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक बहुत ठंडी चीज़ ना लें, क्योंकि वो अगर आप करेंगे कि तो जब तापमान का बदलाव तेज़ी से होगा तो आपको सर्दी है, जुकाम है, गला ख़राब होना या ऐसी दूसरी और समस्याएं भी हो जाएंगी जो कि ज़रूरी नहीं कि गर्मी से रिलेटेड है, ये केवल जो तापमान का अंतर है उससे रिलेटेड है। इसलिए आप कूल डाउन करें, टाइम निकालें और उसके बाद नहाना है तो नहाएं या पीना है पानी तो पिए। तो एक्सट्रीम जो टेम्परेचर्स अवॉइड करें और कूलिंग डाउन प्रोसेस पर ध्यान रखें ताकि धीरे 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 करके आप उस स्थिति में जाएं ताकि आपको उस जो अंतर है आपका तापमान का वो कम रहेगा तो आपको परेशानी कम होगी। जी डॉक्टर साहब, जब मैं रिसर्च कर रही थी मैंने देखा था कि जब हमारे आंखों में अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह पड़ती है तो आंखों में कैटरैक्ट होने का भी काफ़ी खतरा रहता है, खासतौर की गर्मी के मौसम में, क्या बच्चों में भी बीमारी हो सकती है? तेज़ धूप की वजह से बच्चों में एक तो एलर्जी हो सकती है, दूसरा ये कि हाँ ये आँखों के लिए नुकसान दे सकता है, क्योंकि ज़्यादा जब रेडिएशन अंदर जाएंगे आँखों के अंदर तेज़ धूप का तो वो नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए हम समझाते हैं कि भाई बहुत तेज़ धूप में तो बाहर ना निकलें, और निकलें तो भी आप ऐसे सनग्लासेस लगाएं ताकि जो भी सूरज की किरणें थोड़ी कंट्रोल मात्रा में ये आपकी आँखों में प्रवेश करें। जी डॉक्टर साहब, कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे पास यहाँ पर अजमेर से, अंकित जी आपसे बात करना चाहते हैं। अंकित जी बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, अंकित बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब, 3 साल का बच्चा है मेरे, उसको 3 दिन से फीवर आ रहा है, मैंने डॉक्टर को दिखाया बट फिर भी अभी भी आराम नहीं है, तो क्या करूँ उसके लिए मैं अभी? उसमें एक और देखेंगे, अगर बुखार के अलावा दूसरे कोई लक्षण है क्या, खांसी, जुकाम या उल्टी या दस्त या पेट दर्द? जुकाम है, हल्का जुकाम है। तो जो संभावना सबसे ज़्यादा लगती है वो ये कि अभी जो मौसम बदला है, खासतौर से बीच में थोड़ा सा गर्म बारिश भी आई है, हल्का सा ठंडापन भी आया है, तो संभावना तो वायरल इन्फेक्शन की है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक साधारण बुखार उतारने की दवाई आप समय समय पर देते रहें। दो चीज़ का ध्यान रखें, एक तो बच्चे की सांस की गति अगर नॉर्मल रहती तो परेशान नहीं हो, अगर आपके बच्चे की सांस की गति तेज़ होती है, 3 साल का है और अगर उसका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है 1 मिनट में 40 बार से ज़्यादा होती है तो आप उस समय जरूर चिकित्सक को दिखा दें, वरना केवल आप बुखार उतारने की दवाई देते रहें, इससे आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, गर्मी में जाहिर सी बात है कि डिहाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है, तो ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए, माँ बाप को क्या करना चाहिए उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है? डिहाइड्रेशन में दो चीज़ आप समझ लें, एक तो डिहाइड्रेशन है कि जब हम गर्मी की वजह से हमारे शरीर से पानी ज़्यादा निकल रहा है, जैसे पसीना आ रहा है या हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस में जो शरीर से पानी उड़ता है तो हमारे को पानी की कमी आने लगती है, उससे हम डिहाइड्रेट होते हैं। और दूसरी समस्या ये होती है कि इस बीमारी, इस समय जो मौसम है इसमें उल्टी है, दस्त है, ऐसी कोई बीमारी भी लग जाती है पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से, तो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो ये दोनों स्थितियाँ अलग अलग डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करती हैं। जो पहली स्थिति है उसमें तो साधारण पानी पीने से आपका काम चल जाएगा। तो जब भी आपको, मैंने पहले भी बोला था कि प्यास नहीं लगे तो भी बच्चे को आप बोलें कि वो थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहे, पर फिर भी मान लीजिए ऐसी स्थिति बन गई कि उसने पानी नहीं पिया है और उसके पानी की कमी के लक्षण आ रहे हैं तो वो साधारण पानी पी के उस लक्षण से अपने निजात पाएँ। पर अगर आपके उल्टी या दस्त रोग हो गए तो उसमें ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बनाएं, मतलब ORS का जो पैकेट है वो किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर उपलब्ध है, नहीं तो बाज़ार में भी ये मिलते हैं। तो ये जो ओरल रिहाइड्रेशन पाउच है इसको आमतौर पर या तो एक गिलास वाला साइज़ का पाउच आता है या 1 लीटर वाला आता है, तो उसको देख लीजिए आपकी कौन सी साइज़ का पाउच आपके पास है, उस हिसाब से आप इसको पानी में, साधारण साफ पानी में घोल लें और वो पानी थोड़ा थोड़ा करके बार बार पिलाएं, तो उससे आप डिहाइड्रेशन अगर हो गया तो उसको आप ठीक कर सकेंगे। और अगर डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है तो समझ इसी में है कि अगर समय रहते थोड़ा पानी बराबर पिए, और साथ में अगर उल्टी दस्त हैं तो उस समय आप जितनी बार भी बच्चे को दस्त हो रहे हैं उस हिसाब से 50 ml एक्स्ट्रा पानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन के रूप में देते रहें।
जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे हमारे कॉलर पूछेंगे। उदयपुर से प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मैं लड़की है 4 महीने की। जी हेलो। हाँ बोलिए, 4 महीने की लड़की है, आगे। सर उसको जब भी सुबह शाम ठंडा मौसम होता है तो उसको क्या मतलब आवाज आती है कब की। हाँ जी। और नाक बंद हो जाता है। हाँ। तो 3-4 डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने नेबुलाइजर किया, नाक वाक साफ किए, तो भी प्रॉब्लम वही चल रही है। आप के परिवार में मतलब आपको या आपकी वाइफ को किसी को एलर्जी की टेंडेंसी है क्या? एलर्जी यानी कि डस्ट एलर्जी या स्किन एलर्जी या स्मोक एलर्जी, मतलब सर्दी जुकाम जल्दी लगता है क्या किसी को? सर मेरे को होता है सर्दी जुकाम। हाँ तो मतलब मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आमतौर पर ये लक्षण इतने छोटे बच्चे में अगर लक्षण बन रहे हैं तो वो इंडिकेट करेगा कि जरूर कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री है एलर्जी की। और छोटे बच्चों में चूँकि सांस की नलियाँ बहुत छोटी होती हैं तो इनमें हल्का सा भी जुकाम हुआ या हल्की सी भी कफ बना तो उसमें रुकावट के लक्षण ज़्यादा आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे को जो सांस की आवाज़ ज़्यादा आती है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसको एलर्जी है। और इसको हो सकता है कि थोड़ा लंबे समय तक एक तो सांस में सुधार करने के लिए दवाई आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी चीज़ जब भी नाक बंद लगे तो नाक को साफ़ करने के लिए सलाइन वाटर आता है, सलाइन ड्रॉप्स आती हैं, वो डालें और उसको डालने के बाद एक सक्शन बल्ब आता है रबर का, उससे नाक को साफ़ कर लिया करें। पर ये ज़रूर है कि चूँकि एलर्जी फैमिली में, इसलिए हो सकता है कि थोड़े लंबे समय तक आपको कफ कम करने की दवाई और एक एलर्जी कम करने की दवाई का कोर्स लेना पड़ेगा। क्योंकि छोटा बच्चा है, इसके लक्षण ज़्यादा रहेंगे और इसमें टाइम लगेगा बच्चे को ठीक होने में। जी दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाएंगे नहीं, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। आज हम बात कर रहे हैं शिशु रोग की। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है और आप डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर है। डॉक्टर साहब, जैसा कि ब्रेक से पहले हमारे कॉलर ने एलर्जी का जिक्र किया था, क्या गर्मियों में भी कुछ पर्टिकुलर तरह की एलर्जीज या इन्फेक्शन हो सके? खास तौर पर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चों में कितना रिस्क है? गर्मी के मौसम में आमतौर पर वैसे एलर्जी थोड़ी कम होती है, पर ये ज़रूर है कि जब ये आंधी चलती है, धूल और धुआं ज़्यादा होने के बाद वजह से थोड़ी सी एलर्जी आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो फंगल इन्फेक्शंस है, फंगल इन्फेक्शंस भी आपको तब ज़्यादा मिलेंगे जब हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, यानी कि आर्द्रता ज़्यादा हो। तो ह्यूमिडिटी हुए बगैर फंगल ग्रोथ नहीं आती है। आमतौर पर जितने भी हमारे कीटाणु हैं या जीवाणु हैं या बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये इनको पनपने के लिए एक विशेष तापमान की ज़रूरत है। आमतौर पर अगर आपके वातावरण का तापमान 25 से 35 डिग्री है, उसमें ह्यूमिडिटी है 60% या ज़्यादा, तब सारे जीवाणु पनपते हैं। इसलिए फंगल इन्फेक्शन भी तब आपको ज़्यादा मिलेंगे जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब पीक टेम्परेचर जो हम देखते हैं जो आज 38 से 48 के बीच में चलेगा, तो उस दौरान ज़्यादातर इन्फेक्शंस कम होंगे, लू लगने वाली बीमारी ज़्यादा मिलेगी। और जैसे ही बारिश आई, ह्यूमिडिटी बढ़ी, क्योंकि तापमान अब थोड़ा कम तो हो जाता है और इसी डिग्री में आ जाता है जिसमें आमतौर पर दूसरे बैक्टीरिया या वायरस या फंगस को बढ़ने का मौका मिल सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर गीले जूते पैर आपने जूते में डाल के पहन लिए बच्चों ने, तो वो फंगस चूँकि ह्यूमिडिटी है वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, तो वो बच्चों के पैर में लगने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे जो भी जूते पहने या उनको मोजे पहनाएं, उसमें वो ह्यूमिड नहीं हो, गीले नहीं हो, क्योंकि थोड़ा सा भी गीलापन होगा तो वो इन्फेक्शन ला सकता है। जी उदयपुर से दर्शक जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ। सोनिया जी आपसे सवाल पूछेंगे। सोनिया जी बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। जी मनीषा जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि मेरा बेटा है 5 साल का और उसको कल से काफी उल्टी दस्त हो रहा है। हाँ जी जी, उल्टी दस्त हो रहे हैं, साथ में बुखार भी है क्या? नहीं नहीं बुखार नहीं है। और पेट दर्द? पेट दर्द है उसको। पेट दर्द है, मतलब आमतौर पर ये जो स्थिति आप बता रही हैं ये खाने पीने की गड़बड़ से होती है? उसने कल परसों में कहीं बाहर का या ऐसा पनीर या दूध की बनी हुई कोई ऐसी चीज़ खाई हो तो उससे एक संभावना बनती है, ये फूड रिलेटेड प्रॉब्लम है।
आप उसमें ज़्यादा परेशान ना हो, केवल ये कि उसको जो भी पानी या लिक्विड पहले दीजिए खाने के लिए, तो वो पानी या कोई भी तरल पदार्थ जो आप उस बच्चे को दें वो थोड़ा थोड़ा करके दें। एक घूंट दे दिया, एक सिप दे दिया, फिर दो मिनट रुक जाए, फिर एक सिप दे दिया। उससे क्या होगा कि जब थोड़ा थोड़ा करके पिलाएंगी आप तो इसको उल्टी नहीं होगी। उल्टी तभी होगी जब ज़्यादा मात्रा में एक साथ पिएगा। और होता है कि थोड़ा उल्टी दस्त होने की वजह से शरीर में जब पानी कमी होती है तो बच्चा चाहता है कि वो ज़्यादा मात्रा में एक साथ ले ले, तो आप वो अगर ज़्यादा लेगा तो फिर उल्टी करेगा और फिर वो पानी कमी को बढ़ाएगा। तो बस यही समझाएं बच्चे को कि जो भी लेना है थोड़ा थोड़ा करके ले लें। दूसरी चीज़, चूँकि पेट ख़राब है तो दूध की मात्रा दूध बंद ही कर दें या दूध कम कर दें, और चावल है या केला है या खिचड़ी है ऐसी चीज़ इसको खिलाएं, उससे पेट थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। दही भी आप उसको दे सकते हैं, छाछ भी दे सकते हैं, पर मात्रा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। और ये ज़रूर ध्यान रखिए, अगर उस बच्चे को एक घंटे में तीन बार से ज़्यादा बड़े दस्त हों या बच्चा जितनी बार पानी पिए हर बार उल्टी करे, इन दोनों में से कोई भी लक्षण अगर दिखे तो ज़रूर आप चिकित्सक को दिखा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, खान पान की बात हो रही है, बच्चे ज़्यादातर जंक फूड ही प्रेफर करते हैं आजकल के टाइम में, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि गर्मी में हैवी फूड खाना स्टमक को बहुत ज़्यादा अपसेट कर सकता है, तो ऐसे में किस तरह का डाइट बच्चों को फॉलो करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस पर? देखिए, जंक फूड तो किसी भी मौसम में सही नहीं है, क्योंकि उसमें एक तो नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उसकी कैलोरीज ज़्यादा होती है, तो ये किसी भी तरीके का जंक फूड बच्चे को दूसरी बीमारियों की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए गर्मी में भी जंक फूड जहाँ तक हो सके आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ऐसे खाने से बच्चे की बाकी की फिजिकल समस्याएं बढ़ सकती हैं। खाना मेरे हिसाब से ये कि बच्चों को एक तो ये कि बैलेंस डाइट दीजिए आप। बैलेंस डाइट में दो तीन चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें, एक तो ये कि जो भी खाना बच्चे को खिलाएं वो ताज़ा बना हुआ होना चाहिए, काफ़ी थोड़े देर भी ज़्यादा देर तक के लिए भी मतलब बाहर रखा हुआ नहीं होना चाहिए। आमतौर पर होता क्या है कि अगर आप बच्चे को ज़्यादा देर बाहर रखा हुआ खाना दे देंगे तो उसमें संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा रहती है और उसके बाद बच्चे का पेट भी ख़राब हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी उसको खिलाएं ताज़ा बना हुआ खिलाएं। दूसरी चीज़, उसको हरी सब्जियां दीजिए, उसको फल भी दीजिए, और तीसरी चीज़, खाना खाने से पहले उसको ज़रूर हाथ धोने के लिए प्रेरित करें। जी डॉक्टर साहब, कॉलर जुड़ चुके हैं उदयपुर से, प्रदीप जी सवाल करेंगे। प्रदीप जी स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, प्रणाम। नमस्कार, बोलिए साहब। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जैसे अभी जैसे बारिश आएगी तो बच्चे को जैसे ये पहली बारिश का पानी पिलाना चाहिए क्या? बारिश का पानी तो कभी भी नहीं पिलाइए। बारिश का पानी तो तभी आप पिलाएं जब आप बिल्कुल साफ तरीके से उसे एकत्रित कर सकते हो, वो बहुत मुश्किल है। तो बारिश का पानी पिलाने से न तो कोई बीमारियों में बचाव होने वाला है, न कोई उसको कोई अन्य फायदा होने वाला है। रादर पहली बारिश के पानी में तो आप ये मान के चलिए कि हमारे जो वातावरण का जितना भी डस्ट है वो उस पानी के साथ नीचे सेटल होगा और बहुत से केमिकल्स भी उसके साथ सेटल होंगे, इसलिए ऐसा पानी आप नहीं पिलाएं तो बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास मेल के जरिए भी काफ़ी सवाल आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो यहाँ पे सवाल है कि माना जाता है कि बच्चों को ज़्यादा बार नहलाना नहीं चाहिए, खासतौर पर उनको बीमारी जल्दी पकड़ लेते हैं, वो ठंड जल्दी लग जाती है, क्या गर्मियों में बच्चों को दो बार नहलाना रात को भी और सुबह को भी ठीक है? बच्चों को दो बार नहलाने में कोई दिक्कत नहीं, और आप बस ये कि अगर बहुत छोटा बच्चा है, खासतौर से इन्फेंट है, एक साल से नीचे है, तो इनको क्या है कि बार बार नहलाने में ठंड लगने की संभावना रहती है, तो कोशिश ये करें कि उनको साफ़ तो रखें पर ज़रूरी नहीं कि बार बार नहलाएं। और बड़े बच्चे जो कि तीन चार साल के से बड़े हो गए हैं, जो बाहर आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, उनको आप दो बार नहलाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जब आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो जगह जगह उनका हाथ भी लगता है, कभी गेंद से खेल रहे हैं, कभी दूसरी चीज़ों से खेल रहे हैं, तो ऐसे में उनको सफाई का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसे बच्चे में ऐसी स्थिति में दो बार नहलाएं तो अच्छा ही रहेगा। तो जिस तरह का डे टू डे वर्क है उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए। झुंझुनू से साजिद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब साजिद जी स्वागत है, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी एक बच्ची है 7 साल की, तो आए दिन बोलती है मेरे पैर में दर्द होता रहता है, मैंने हर डॉक्टर को दिखा दिया है उनको, फिर भी बोलती है कि मेरे पैर में दर्द है। अच्छा, वो पैर में जो दर्द बोलती है वो दोनों पैर में है या एक में? जी साजिद जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए आप और डॉक्टर साहब से बात कीजिए। ना मतलब उसके दोनों पैर में दर्द है क्या? जी दोनों पैर में दर्द होता है। अच्छा, दर्द होता है दर्द होता है। नहीं, और ये दर्द सुबह होता है या शाम को होता है? ज्यादा रात को होता है, सोने रात को सोने के टाइम पे।
मतलब रात को जो सोने के वक्त दर्द होता है आमतौर पे हम इसको ग्रोइंग पेन बोलते हैं। ग्रोइंग पेन का मतलब ये है कि बच्चा बढ़ रहा है तेज़ी से, और उस उम्र में क्या होता है कि बच्चा खेलता ज़्यादा है, उसको इतनी समझ नहीं है कि मेरी पैरों की कैपेसिटी कितनी है, और जब लेटता है तब उसको दर्द महसूस होता है, और हर बार उसको ऐसा लगता है कि भाई कोई दबाए तो उसको राहत महसूस होगी। और थोड़ा सा ये कि किसी किसी बच्चे में जब खून की कमी होती है या कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है तब भी इस तरीके के लक्षण बन सकते हैं। तो आप एक काम करें, क्योंकि आप पहले काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, तो एक बार हीमोग्लोबिन उसका करा लें, और आपके बच्चा 5 साल का है, 5 साल के बच्चे का हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर होना चाहिए। अगर कम है तो उसको एक तो हरी सब्जियों का सूप बना के रेगुलर मतलब नियमित रूप से दें, और उसके अलावा अगर और भी अगर हीमोग्लोबिन कम आता है तो आयरन सिरप जैसी कोई दवाई चिकित्सक से पूछ के उसको दें आप। इसके अलावा कैल्शियम का सिरप आप बाज़ार में उपलब्ध है, वो आप लेके उसको कैल्शियम भी समय समय पर देते रहें। जी डॉक्टर साहब, आजकल के बच्चे ज़्यादातर समय अपना स्कूल में ही बिताते हैं, तो ऐसे में घर से दूर रहते हैं, तो माँ बापों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, चाहे वो उनको खान पान को लेकर के हो, चाहे वो बॉटल्स को लेकर के हो, क्लिनलीनेस, कुछ टिप्स सावधानियाँ पेरेंट्स के लिए? सावधानी ये तो इतना सा ध्यान रखें कि जब भी स्कूल में जाएं, मैं पहले भी बोला था, एक तो उनको कि बहुत तेज़ गर्मी में समझा दें कि बाहर खेलें नहीं, और दूसरा ये कि आप अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स वहाँ पे फिर भी अगर आफ्टरनून में हो रहा है तो आप प्रिंसिपल को भी कह सकते हैं कि साहब बच्चों को तेज़ गर्मी में बाहर आउटडोर एक्टिविटी ना कराएँ। दूसरा बच्चों को ये भी आप हिदायत दे के भेजें कि प्यास लगे या ना लगे आप बराबर पानी पीते रहें। तीसरी चीज़ खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लें, और चौथी चीज़ खाना जो भी आप उसके साथ भेजें वो ऐसा भेजें कि वो 5-6 घंटे तक ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी की वजह से कोई भी चीज़ अगर ऐसी आपने खाने के डब्बे में भेजी है जिसके ख़राब होने की संभावना है तो उसका पेट ख़राब होगा, उसको तकलीफ़ होगी। जी दर्शकों, हर हफ्ते हम आते हैं और आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से संबंधित कोई भी चर्चा हम हमारे शो में उठाएं, या फिर आप हमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।